हाय गाइस, मैं हूं अनुष आचार्य और आप देख रहे हैं क्रिएटिव अनुष। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब प्रीमियम आप अगर लेना चाहते हो तो उसका क्या बेनिफिट्स है। तो मैं ये जो यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप है वो एक महीने या कुछ डेढ़ महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कैसे मैंने उसे फ्री में लिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर से जाके उस वीडियो को देख लेना। YouTube प्रीमियम लेने के क्या फ़ायदे हैं और मैं क्या क्या फ़ायदा उठा रहा हूँ उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको ये सारे एडवांटेजेस अच्छे लगते हैं तो आप जाके YouTube प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है आप ऐड फ्री वीडियोज़ देख सकते हो, मतलब कि आपको वीडियो देखते वक्त कोई भी ऐड जैसा नहीं दिखेगा, एक्सक्लूडिंग कि अगर यूट्यूबर कुछ प्रमोट कर रहा है अपने एंड से, मतलब अपने वीडियो में किसी का प्रमोशन कर रहा है या उसका कुछ मर्चेंडाइज है, उन सभी के अलावा आपको कोई एड्स जैसे कि आपको वीडियो के बीच में जो एड्स आते हैं स्किपेबल एड्स या बम्पर एड्स या डिस्कवरी एड्स, ऐसे कुछ नहीं मिलेंगे। आपको सर्च एड्स भी नहीं मिलेंगे। थर्ड पार्टी के जो बैनर्स आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जो डेस्कटॉप मोड में ज़्यादातर आते हैं, तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। सबसे पहले जो फीचर है ये है कि आपको ऐड फ्री यूट्यूब ऐप आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में। और ऊपर देख सकते हो यूट्यूब प्रीमियम लिखा है, मतलब यूट्यूब का आइकन और प्रीमियम लिखा है। तो इसी तरह का होता है ऐड फ्री यूट्यूब ऐप, मतलब सेम ऐप ही है लेकिन उसमें आपको ऐड नहीं मिलेगा जिस जीमेल से आप YouTube प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो। सेकंड फीचर जो आता है, आपको सारे वीडियोस को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले आपको नॉर्मल यूज़र को दिया जाता था। उसके बाद उसका कुछ लिमिट रखा गया, इसी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो या नहीं। अभी भी शायद वो लिमिट है या पूरी तरह से हटा दिया गया है, आई एम नॉट श्योर। बट आपको अगर आप YouTube प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो आपको डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाता है वीडियोज़ को। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, आपका YouTube मोबाइल ऐप ओपन कर लो, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, लाइब्रेरी में जाके अकाउंट पे सेक्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका अगर डाउनलोड सेटिंग्स चेंज करना है, जैसे कि आपको वाईफाई नेटवर्क में डाउनलोड करना है या मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करना है, वो सभी भी आप सेटिंग्स पे जाके लाइब्रेरी एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है, उसके बाद जाके डाउनलोड कनेक्शन, उस पर क्लिक करके आप ये सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है डाउनलोड क्वालिटी, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि आपको कोई भी डाउनलोड का क्वालिटी बढ़ाना है या घटाना है, वहीं पे जाके आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन का स्टोरेज अगर 5% से कम है तो आप कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर करना आपका जो स्टोरेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब आपके टोटल स्टोरेज से 5% ना हो, 5% से थोड़ा ज़्यादा हो, जिससे कि YouTube एक्सेस कर सकता है डाउनलोड करके फाइल सेव करने के लिए। उसके बाद आपको मैं बता दूं तो थर्ड बेनिफिट यह है कि आपको इसमें बैकग्राउंड प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें टोटल आपको दो बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, एक बैकग्राउंड प्ले जिससे कि आपका एक छोटा सा स्क्रीन यानी आपका स्क्रीन का कुछ 10-20% के हिस्से में एक छोटा सा वीडियो चलेगा, या दूसरा जो है उसमें कोई भी वीडियो नहीं चलेगा, बस आपको म्यूज़िक सुनाई देगा, मतलब कि उसका जो साउंड है वही बस सुनाई देगा, वीडियो आपको नहीं दिखाई जाएगी। तो अगर आपको डायरेक्ट वीडियो देखना है तो उसका भी सेटिंग है इसमें। दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर मैं कभी भी कोई भी वीडियो मुझे पसंद आता है या मैं शेयर करने चाहता हूँ तो आपको पहले क्या मिलता था, जब भी शेयर पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे जाओगे तो वीडियो रुक जाता था या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता था। जब से मैं YouTube प्रीमियम लिया हूँ तब से मैं जब भी शेयर करता हूँ WhatsApp पे चला जाता हूँ तो मैं बिना रुके ही उस वीडियो को सुनकर शेयर कर सकता हूँ। और अगर अपना जो बैकग्राउंड का जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद बैकग्राउंड प्ले के अंदर आपको बैकग्राउंड एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली वहाँ पे जाके ये चेंजेस कर सकते हो। फोर्थ फीचर जो मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसमें आपको YouTube प्रीमियम लेते हो तो YouTube म्यूज़िक का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। YouTube म्यूज़िक एक अलग सा एप्लीकेशन आता है जहाँ पर आप वीडियोस को बिना वीडियो के ऑडियो से सुन सकते हो, जैसे कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो उसका वीडियो आपको नहीं देखना है तो YouTube म्यूज़िक पे जाके आप सेम गाना या सेम कॉमेडी कोई भी वाइंस हो गया या कोई भी चैनल का वीडियो होगा वो सर्च कर सकते हो, उसके रिलेटेड आ जाएगा। इसमें दूसरी बड़ी फीचर यह है कि आप कहीं पर भी हो, मतलब म्यूज़िक आप मतलब सुन रहे हो 3 मिनट तक हो गया आपका,
तो 3 मिनट से आप चाहते हो कि वीडियो देखना है तो सिंपली वीडियो पर टैप कर दोगे तो आप तुरंत वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे, है ना बढ़िया अमेजिंग फीचर। थर्ड फीचर ये है कि यूट्यूब ओरिजिनल्स, यानी जैसे कि होता है सोनी लिव, उसी तरह से अमेजॉन प्राइम का अपना एक ओरिजिनल सीरीज होते हैं, उन सभी की तरह यूट्यूब का भी एक ओरिजिनल सीरीज है जो कि यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है वो भी बिना 1 रुपये खर्चा किए। ये भी यूट्यूब में प्रीमियम मेंबरशिप के साथ ही फ्री आपको मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको ये सारी बातें जान के? अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, अभी भी वो कन्फ्यूज़ हैं, तो उनको ये ज़रूर से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।